नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अभी जो है मेरे पास तो ये फ़ोन है टेक्नो का, ठीक है, टेक्नो का, पता ना कौन सा हो, जो भी मॉडल हो। बट यहाँ पे इस फ़ोन में जो होता था क्या दोस्तों, जैसे कि अभी फिर मेरे पास यहाँ पे जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे वोडाफोन या आइडिया का टावर नहीं के बराबर में रहता था और जियो और एयरटेल तो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इस फ़ोन में प्रॉब्लम था क्या, कस्टमर का कहना था भाई हम जब घर पे अपने घर पे रहते हैं तो इसमें टावर नहीं रहता है, घर से बाहर कहीं टावर के नज़दीक में जाते हैं तो सही से टावर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आज हम देखे हैं तो कुछ न्यू बीमारी नज़र आया है, इसलिए मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये प्रॉब्लम शेयर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर लिया हूँ, लेकिन आपको ये बता दे रहा हूँ इस वीडियो में कि ये प्रॉब्लम आखिर कहाँ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आगे आप भी कभी मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या खोलेंगे तो आपको ये नज़र आ जाए और इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि चलिए हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं सिम पिन। देखिए ये प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों वाटर डैमेज कारण अक्सर होता है या फ़ोन आपका गिर गया तो इस वजह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर ये प्रॉब्लम जो था मेरा कहाँ से था, सॉल्व हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे मैं ज़्यादा नेटवर्किंग के बारे में आज नहीं बता पाऊँगा क्योंकि टाइम भी कम है थोड़ा सा और यहाँ पे इस फ़ोन में आगे का प्रॉब्लम भी नहीं था, तो फर्स्ट में नज़र आ गया वो प्रॉब्लम, तो सोचा भाई क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूं। कभी भी आप लोग भी मान लीजिए इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने में कामयाब हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इस फ़ोन के अंदर जो प्रॉब्लम था दोस्तों, यहाँ पे जब हम मल्टीमीटर के माध्यम से यहाँ पे चेक किए तो दोनों पे सप्लाई आ रहा था, ये दोनों नेटवर्क का ही है, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं साइड में और यहाँ पे जो है दोस्तों देख लीजिए ये नेटवर्क के साथ साथ यहाँ पे ये दोनों पॉइंट हैं। चलिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो था दोस्तों ये दोनों पॉइंट जो आपस में शॉर्ट दिखना चाहिए, मल्टीमीटर से जब आप चेक करेंगे तो ये दोनों पॉइंट जो है शॉर्ट दिखना चाहिए। यदि मान लीजिए शॉर्ट नहीं दिख रहा है तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम आखिर है फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि फ़िलहाल तो वायर मैं हटा दिया हूँ जो सॉल्ड किया था, तो देखिए दोस्तों ये दोनों शॉर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास दूसरा फ़ोन है, चलिए उसका भी मैं आपको खोल कर दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मान लीजिए ये फेक वीडियो है या कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर हम सेम इसी तरह का एक फ़ोन मेरे पास है पहले से रखा हुआ, तो उस फ़ोन का जो है बैक पैनल निकाल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये सेम फ़ोन है और इसी तरह का है। ठीक है, ये दोनों जो है आपस में शॉर्ट दिखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इसका सप्लाई जो है कैसे कटा, तो इसका सप्लाई कटने का जो कारण है दोस्तों देख सकते हैं फ़ोन के अंदर जो है वाटर डैमेज तरह का कुछ दिख रहा है, बढ़िया से पानी नीचे से गया हुआ है जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम जो है आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ये जो फ़ोन है मेरे पास दूसरा उसको पैक कर लेते हैं। वैसे भी ये डेड फ़ोन रखा हुआ था मेरे पास तो सोचा भाई क्यों ना चेक कर लूँ। तो यहाँ पे जो है दोस्तों बस इस वीडियो में यही बताऊंगा कि यहाँ पे आपको रिसॉल्व कर देना है ये आपका जो प्रॉब्लम है कि मान लीजिए घर पे रहने से टावर नहीं रहता है, घर के बाहर निकलते हैं टावर के नज़दीक में जाते हैं तो फ़ोन के अंदर टावर आ जाता है। तो इस प्रॉब्लम का जो सलूशन है दोस्तों वो इसी में है। वैसे तो नहीं चेक कर पाया बट यहाँ पर बिना इसको लगाए हम जब लगाते हैं सिम इसके अंदर तो बहुत लेट से 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के बाद एयरटेल या जियो के भी नेटवर्क आते हैं। जब इसको हम यहाँ पे रिसॉल्व कर दिए हैं, लगा लिए हैं तो फास्ट वे नेटवर्क आ चुका है। और यहाँ पे भी मैं आपको चेक करवा देना चाहता हूँ। देखिए मल्टीमीटर को जब आप बजट की रेंज में सेट करके और यहाँ पे जो है देखिए दोनों पे जो है बीपिंग होना चाहिए इस फ़ोन में खास करके, अदर फ़ोन का तो नहीं कह सकते हैं। अब यहाँ पे बीपिंग नहीं होता लेकिन यहाँ पे जो है ये वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे जब आप चेक करेंगे तो दोनों में बीपिंग बजना चाहिए। तो समझ लीजिए कि आपका नेटवर्किंग इस यहाँ तक सही है। यदि फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है तो आगे का नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल तो ये प्रॉब्लम मेरा यहाँ से था, सॉल्व हो भी चुका है, ठीक है। तो वैसे वीडियो नहीं बनाता बट सोचा क्यों ना भाई बना दूँ वीडियो। ये प्रॉब्लम भी अधिकतर आ रहा है अभी वाटर डैमेज, ये ज़्यादातर जो होता है दोस्तों। एक बात, कभी भी आप मान लीजिए फ़ोन खोलते हैं तो नेटवर्क आगे का प्रॉब्लम देखने से पहले ये चीज़ ज़रूर चेक किया कर लिया कीजिए। किसी भी फ़ोन में हो, MI हो या और भी कंपनी का फ़ोन होता है जो कि यहाँ से ये प्रॉब्लम अक्सर आता रहता है कि नेटवर्क आता है या लो नेटवर्क रहता है या तो कभी आता है छोड़ देता है, तो ये सब प्रॉब्लम जो है यहाँ से भी होता है। तो ये बात आप लोग कभी भी ध्यान में रखा कीजिए, ठीक है। नेटवर्किंग प्रॉब्लम रिसॉल्व करते समय बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए यहाँ से प्रॉब्लम रहता है लो नेटवर्क का, बहुत आदमी जो करता क्या है वहाँ डायरेक्ट IC के ऊपर काम कर देता है तो वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो ये ना किया कीजिए, चेक कर लिया कीजिए उसके बाद ही काम किया कीजिए। और यहाँ पे जो है दोस्तों अब देख दिखा रहा हूँ आपको फटाक से नेटवर्क क्विकली 1-2 सेकंड में आ जाता था, पहले ऐसा नहीं होता था, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए सर्चिंग लिया, अब तो तुरंत ही यहाँ पे नेटवर्क आ जाएगा, ठीक है। और वोडाफोन का जो है थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि वोडाफोन का जो है टावर यहाँ पर मेरे यहाँ नहीं रहता है, ठीक है। इसका लॉक भी नहीं पता है, कस्टमर का फ़ोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं जियो तो आ चुका है और वोडाफोन थोड़ा सा लेट आएगा, क्योंकि मेरे यहाँ वोडाफोन का नेटवर्क नहीं के बराबर में रहता है। और वोडा आइडिया जो दोनों है, पहले तो वोडा का सही रहता था, लेकिन अब जो है जब से वोडा और आइडिया दोनों एक साथ हो गया है तो मेरे यहाँ तो और भी नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दोस्तों आज का जो वीडियो था बस यही के ऊपर था कि मान लीजिए यदि आप घर पर रहते हैं तो टावर नहीं रहता है, बाहर आते हैं तो टावर रहता है, तो यहाँ से ये प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा उसे दबाकर मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें भाइयों, क्योंकि इस तरह का वीडियो आपका ये छोटा भाई बनाता रहता है और इसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर परिवार का ख्याल अवश्य रखें।